तो हेलो गाइस, आप देखने जा रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आयुष एनिमल लवर। तो आज हमारी जो मुर्गियां हैं उन्हें पूरे 21 दिन हो चुके हैं और उन्होंने बच्चे देने भी मतलब बच्चे अंडों से निकालने में भी चालू कर दिए हैं। तो हमारी जो ब्लैक वाली मुर्गी थी उसने 10 अंडों पर, मैंने बोला था 10 या 11, तो 10 अंडों पर बिठाई थी तो उसने 10 बच्चे निकाले। आपको एक बार दिखाता हूँ। तो गाइस ये रही वो मुर्गी, इसने 10 बच्चे फोड़े हैं। अब इन्हें एक दिन हो चुका है, कल निकाले थे तो फिर आज सुबह इन्हें निकाल दिए। तो बहुत क्यूट ऐसे बच्चे हैं और भगवान करे कि जल्दी से जल्दी बड़े हो जाए और अच्छे से ये मुर्गी इन्हें पालेगी भी, क्योंकि ये मुर्गी बहुत अच्छी है। और अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ वाइट वाली मुर्गी, तो उसने भी फोड़े हैं तो मुझे पता नहीं क्या, तो मुझे लगता है कि बच्चे फोड़ गए होंगे। और ओ गाइस, इसने भी बच्चे फोड़े हैं और आप ये देख सकते हो उसके भी ब्लैक ही बच्चे हैं। देखो इसका एक ब्लैक है और एक वाइट एंड ब्लैक है, ये भी वाइट एंड ब्लैक है पर थोड़ा थोड़ा वाइट है। अंडा देखेंगे, ये देखो इसे भी एक है। तो इसके अंदर भी बच्चा है और हमने टोटल अब 6 अंडे थे, क्योंकि सिल्की हैं और रेड मतलब लाल मुर्गी के जो अंडे थे वो ख़राब हो चुके थे तो हमने वो निकाल के फेंक दिया। और इसका एक खुद का भी अंडा था, वो अंडे भी मैंने फेंक दिया था जो खुद का था उसका। तो और सिर्फ 6 अंडे थे उसके नीचे, तो फिर और एक मतलब सब अंडे मैंने आप चेक करे तो आपके सामने भी 2 चेक किए, एक अंदर एक नहीं चेक किया क्योंकि उसमें से बच्चा निकल रहा था, आपने देखा होगा या नहीं, पीछे साइड वाले था। तो फिर एक अंडा मैंने अभी चेक किया वीडियो बनाने से पहले, तो वो ख़राब अंडा था तो मैंने वे फेंक दिया। और अभी सिर्फ कितने अंडे बचे, 5 अंडे बचे हैं अभी तलक। और फिर भगवान करे कि ये सारे बच्चे पल जाए, क्योंकि हमारे यहाँ जो बिल्लियाँ है बहुत तंग करके रखती है और जो कुत्ते हैं वो भी पकड़ते हैं। तो फिर आज की वीडियो यहाँ पर ही ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तो फिर बाय।